प्रोटेस्ट जो है ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ है, ये प्रोटेस्ट ये FBR के ज़ालमाना टैक्स जो लगाया गया है। पहले इन्होंने हमसे बात की 1200 रुपये और 12000 रुपये साल लेंगे, अब इन्होंने 60000 रुपये महीना कर दिया है। देखें आज इन्होंने जो कुछ इन्होंने हमारे साथ सलूक किया है वो तो दुश्मन भी नहीं करते। आज के इलेक्ट्रिक का मामला ये है कि कोई गरीब आदमी कोई अमीर आदमी कोई भी टैक्स नहीं भर सकता। ये बिलों पे जो लगा दिया गया है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं जो निर्ख उसके कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा निर्ख बढ़ा दिए हैं, वो निर्ख हमारे लिए अफोर्ड करना नामुमकिन है। लिहाजा हम इनके बाइकाट का ऐलान कर रहे हैं। रोड ट्रेड एलायंस का सदर हूँ, अल्लाह चुरंगी लो 4 मीनार तक हमारे तमाम मार्केट हमारे साथ हैं। मैं इस एतराज में आया, हमने तारीख रोड पे हमने एतराज करा हुआ है पहले, बहुत बड़ा एतराज का, इस एतराज में आ रहा हूँ। ये पूरे 3.5 करोड़ आवाम का एतराज है, ये एक आदमी का नहीं है, ये इसमें 25 करोड़ आवाम को पूरे पाकिस्तान को इस मामले में निकलना पड़ेगा। इन्होंने इतना बड़ा धोखा कराया पाकिस्तान कादी बिरादरी के साथ कि कोई किसी की सुनवाई नहीं है। इन्होंने एक धमाका कर दिया बिजली का बिल, जिसका बिजली का बिल 30000 आ रहा है उसका 60000 आ रहा है, इतने टैक्स लगा दिए, फर्दर टैक्स कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी शाही अयाशी खत्म नहीं कर रहे। इन्होंने जुल्म कराया पाकिस्तानियों 25 करोड़ आवाम के साथ। मैं यहाँ एक और भी बात करता चलूं कि आज से पहले कराची में जो भत्ते की पर्ची आती थी, आज कराची में बिजली के बिल भत्ते की सूरत में जो है वो दुकानदार को और घरों में जो है वो वसूल हो रहे हैं। और इसके साथ बदमाशी के साथ ये बिजली की वसूली की जा रही है। 14-14 घंटे आप देख सकते हैं कि लाइटें नहीं है, उसके बावजूद भी बिल उसी तरह आ रहा है। बराबर जो है वो बजट जो है दुकानदारों का घरों का आउट हो चुका है। आज से 3-4 साल पहले जो 3000 का या 5000 का बिल आता था, 15-20 हजार का आ रहा है। लोगों ने अपने घरों की चीजें भेज दी, किसी ने बाइक भेज दी, किसी ने गोल्ड भेज दिया, किसी ने क्या भेज दिया। अब लोग कर्जे ले रहे हैं, कर्जे ले रहे बिल अदा कर रहे हैं। अगर आप बिल ना भरें तो उनके साथ KLAT की गाड़ी के साथ पुलिस मोबाइल आती है, उनको धमकाया जाता है, उनकी लाइटें काटी जाती है और लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर है आज की तारीख तक।